हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम आईज और नोज से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने आईज और नोज कैसे ड्रॉ करनी है। एंड नेक्स्ट हम फेस कट देंगे, फेस कट एंड हेयर स्टाइल। यहाँ पे मैंने आपको तीन तरह से आईज ड्रॉ करना बताया है, आपके पास ऑप्शन है आप कैसे ड्रॉ करना चाहेंगे। यहाँ पर ये फिगर हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। अगर आपको इसी को किसी थीम में लेके जाना है आप इसको वार्तालाप में ड्रॉ कर सकते हैं। सेम यही एक और कॉपी इसके सामने कर देंगे तो ये एक आपका वार्तालाप थीम पर पेंटिंग रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ये हम दूसरी क्रिएटिव पेंटिंग ले रहे हैं राधा कृष्ण की, इसी की वीडियो मैंने आपको एक को सेंड की है। सेम कैसे ड्रॉ करना है क्या है, इसमें हमने ज्योमेट्रिकल एंड फोक आर्ट को डिज़ाइन किया है। क्रिएटिव पेंटिंग करते हुए मैंने बताया था आपको ये ध्यान रखना है, अगर कहीं से आप कॉपी कर रहे हो तो सेम कॉपी ना करके आप खुद से उसमें क्रिएटिविटी प्लस कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर फेस ड्रॉ किया है तो नीचे ज्योमेट्रिकल लाइन ले करके या बॉक्सेस बना करके उसमें फोक आर्ट प्लस कर दिया है। और क्रिएटिव पेंटिंग बनाने के लिए कोई मटेरियल फिक्स नहीं है, वो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी है कि उसमें आप क्या मटेरियल रखेंगे, कौन सा पेपर रखेंगे और कौन सा कलर्स रखेंगे और कैसे आप उसको क्रिएटिव करेंगे। क्रिएटिव पेंटिंग में हमें बहुत डिफरेंट लेकर के चलना होता है, कुछ ऐसा ड्रॉ करना होता है कि जिसकी कोई और कल्पना कर भी नहीं सकता। आपके माइंड में जैसा आता है कि हाँ आप उसको इस चीज़ में डेवलप कर सकते हो या उसको ऐसे क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ ऐसा ड्रॉ करना होता है और वैसे ही आपने कलर कंपोजिशन बनाने होते हैं। सभी पेंटिंग्स में बॉर्डर या फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेम और बॉर्डर के बिना पेंटिंग अधूरी है। यहाँ मैं बुद्धा का फेस ड्रॉ कर रही हूँ। फेस कैसे ड्रॉ करना है वही आपने पहले आईज और नोज से स्टार्ट करना है। यू शेप देनी है, एक मान लीजिए आप टू यू शेप ड्रॉ करेंगे बराबर बराबर उल्टा, एंड उसको ऐसे नोज की शेप दे देंगे और आईज ड्रॉ करेंगे। आईज आपने बंद ड्रॉ करनी है, ना ही वो बंद हो और ना ही वो खुली हो, प्रॉपर बंद नहीं आप दिखाएंगे। यहाँ आप नीचे नोज से नीचे स्पेस लेकर के लिप्स ड्रॉ करेंगे। लिप्स ड्रॉ करने के लिए वही आपने पहले एक लाइन लेनी है, लाइन के ऊपर आपने लिप शेप ड्रॉ करनी है। इसी में आईज और ये सब कंप्लीट होने के बाद आप फेस कट लगाएंगे। फेस कट लगाने के बाद ऊपर से हेयर का आपने करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पिक्चर्स में कहीं पर भी ये लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, आपकी कोई समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी वर्कशीट को उल्टा करके देखिए, ओके, अपोजिट साइड करके देखिए, कुछ लाइंस है कि वो आपके पकड़ में आ जाएंगी कि हाँ ये लाइंस हमारी गलत हो रही है, कहाँ से सही करना है कहाँ से नहीं करना है। ईयर आप आईज के बराबर में ही ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने आपको पोर्ट्रेट में बताया है।
स्टूडेंट बुद्धा के हेयर कैसे होते हैं, सर पे हेयर स्टाइल जो होता है वो आपको मालूम है, आप वैसे ही ड्रॉ करेंगे। एंड बाकी अगर आपकी वर्कशीट पर स्पेस रहता है, बुद्धा से जो जुड़ी चीज़ें हैं, शांति के जो प्रतीक हैं, आप वो लेकर के पीछे बैकग्राउंड में डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपकी फिश हो गई, फिश शांति का प्रतीक होता है, और आप लोटस भी ड्रॉ कर सकते हो। लोटस आपने देखा है अक्सर बुद्धा की पेंटिंग में बैकग्राउंड में, या डिज़ाइन के लिए क्रिएटिविटी में भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज़ बुद्धा क्रिएटिव पेंटिंग रेडी है।